गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बताऊंगा। इसके बारे में ये टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। तो ये डायरेक्ट क्या होता है, हम डायरेक्ट में, जैसे ये डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, ही सेड आई एम गोइंग टू लखनऊ, तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन हो गया, डायरेक्ट या स्पीच हो गया। इसमें क्या होता है, स्पीकर, वक्ता, स्पीकर अपने शब्दों को, अपने वाक्य को ज्यों का त्यों कह देता है, और वही ये डायरेक्ट नरेशन होता है। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, ये वक्ता, स्पीकर जो होता है, अपने शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर उसे भाव के अनुसार कहता है। जैसे ही सेड, ये पास्ट टेंस हो गया, तो आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो ही सेड दैट, ये असर्टिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे हम सेड, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता, सेड के बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता, तो इसको हम सेड को टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम सेड का सेड रहने देंगे। ही सेड दैट, कंजक्शन दैट लगता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा के असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है। तो इसे भी हम कंजक्शन दैट, कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, वो सेंटेंस के अनुसार। जैसे कि हम बता दें आपको, सेंटेंस जैसे कि पांच सेंटेंसों का हम नरेशन बनाते हैं, वो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में, सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, इसमें क्या होता है कि भाव के अनुसार, जैसे ही सेड, उसने कहा था आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो उस समय की बात है। तो वो इस समय ये प्रकट कर रहा है कि ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू लखनऊ, मतलब वह लखनऊ जा रहा था। कौन जा रहा था, स्पीकर ही जा रहा था, जो बोला कि उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। जैसे उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो वही ही यहाँ पर आई बनकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब ये डायरेक्ट स्पीच जो होता है, अब डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये जो होता है डिवाइडेड, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ये जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट में हम लिखते हैं, जैसे ही सेड यू हैव डन योर वर्क, ये हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। जैसे ये देखिए, ये दिखा ही सेड, ये है, फिर उसके बाद कॉमा लगा है, और ये इधर से, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया है। तो ये पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और ये कामा से जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिए हैं। तो ही सेड दैट यू हैड, क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। इस तरह से इसका रूल होता है। तो मेन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के कुछ मेन बिंदु होते हैं, हम उनको आप इनको बता देते हैं। बिना इनके आप इसको नरेशन में नहीं चेंज कर सकते, जो ग्रामर के अकॉर्डिंग है, आप सही उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम बता दें आपको, पहले जैसे डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को, उसके कथन को इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को, सेट के बाद कामा, ये देखिए कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब ये हो गया सेड, तो इसको, इसके बाद हमने कामा का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा, इन्वर्टेड कामा के अंदर का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने क्या लिखा है, यू सेड, यू जो है कैपिटल लेटर से लिख दिए हैं। इधर ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे आई हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। तो फिर इसमें देखते हैं चौथा
ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। जब तक हम नियम को नहीं जान पाएंगे तब तक हम इसको ट्रांसलेट या उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे पहला इसका पॉइंट है, इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब हम लास्ट में इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, जैसे कि ऊपर हमने यहाँ पर हटा दिया। देखिए यहाँ पे कॉमा है प्लस ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो हमने इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया, और लास्ट में ये जो इन्वर्टेड कॉमा से ये क्लोज था सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच, उसको हम हटा के इसे असर्टिव सेंटेंस में बना दिए हैं, इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिए हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब की बाद कॉमा का प्रयोग नहीं होता, ये हो गया। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है, जैसे यहाँ पे ही सेड है तो ये ही सेड ही रहेगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम उसको टोल्ड में बदल देंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन वो पास्ट में ही रहेगा। जैसे टेल टोल्ड टोल्ड होता है, तो से सेड सेड होता है, तो सेड सेकेंड फार्म है, ये थर्ड फार्म भी है, और टोल्ड जो है वो भी सेकेंड और थर्ड फार्म है। तो यहाँ पर ये सेकेंड फार्म है तो टोल्ड भी सेकेंड फार्म ही है। तो कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, बस रिपोर्टिंग। और ये चौथा पॉइंट है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड आशय के अनुसार हम इसे बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। जैसे कि वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम उसको आस्क्ड में बदल देते हैं, सेट को आस्क्ड में बदल देंगे। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेट को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे, ऑर्डर में बदलेंगे, एडवाइस में बदलेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पांचवा बिंदु होता है, पॉइंट होता है, वो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, मतलब आदि का प्रयोग करते हैं। तो हम इस अब इसके पश्चात ये इसके नियम हो गए। तो हम कुल मिला के नरेशन पांच सेंटेंसों का करते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। तो हम इस वीडियो में बस आपको बस यही नियम के रूल्स के बारे में बताते हैं। अगले वीडियो में हम आपको असर्टिव सेंटेंस आरम्भ करेंगे, उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएँगे। लेकिन ये नियम आपको आना चाहिए, अगर ये रूल्स आपको नहीं आ रहा है तो आप ना तो असर्टिव कर सकते हैं ना तो इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये इन रूल्स को याद कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।